गणू आदमी डाल दो। दोस्तों आज मेरा बर्थडे था, जा मिलता हूँ आप फिर जाते हैं हम लोग, क्या करें चट्टू, कैसे ही जिंदगी बीतेगी रड़ुआ साले लोग। हम लोग कनिष्ठ सो गया था, ये भी जाग गया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरकेजनी कौशल में। आज 13 तारीख है, 15 तारीख है, 15 तारीख है दोस्तों। क्या करें, दिमाग पूरा हिल गया है। और देखिए क्या बताएं, मेरा टकला जो छिलाया, हमारी वाइफ सुंदर लगने लगी। हाँ एकदम, क्योंकि मैं खराब लगने लगा तो जानते हैं अंधों में कन्हवा राजा। हाँ। तो इसके वजह से, और इस समय वीडियो नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि काम धंधा में फंसे हैं। सोच रहे हैं कैसे दशहरा तक प्लास्टर अपना कंप्लीट करा लें, तो अभी लोन वाला जो तामझाम है उसी में फंसे पड़े हैं। देखते हैं कब पास होगा कब नहीं पास होगा, उसी के आधार पे काम तो शुरू करा दिए हैं पैसा ले लेके इधर उधर से। अभी लोन पे काम चल रहा है, देखते हैं। विजिट कर दिए हैं, विजिट करने के बाद क्या करेंगे वो तो पता नहीं, कब तक अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई पता नहीं। और अभी फ़िलहाल तो प्लास्टर तो नहीं हुआ है, सारा काम धाम जो भी चुट पुट नहीं होता है प्लास्टर से पहले थोड़ा बहुत काम इधर उधर बच्चा कुचा रहता है वही कंप्लीट करा रहे हैं। छत पे टंकी रखने लायक पटनी बना रहे हैं, पटनी बनाने के बाद तुम्हारे कानून गील गील कर सब पिया पिया। अरे पिलिया, अरे पिया मई भाई लल तब। अच्छा तो दोस्तों क्या बताएं, मेरा कान खराब हो गया है गलसुमना की वजह से। और यहाँ देखिए मेरा घर, पता नहीं कब तक, उसको देखिए क्या कर रहा है, पता नहीं मेरा घर कब तक ऐसे ही रहेगा। और दोस्तों क्या बताएं, बहुत लोग का सहयोग मिल रहा है लेकिन क्या करे, कितना कोई सहयोग करेगा मालूम है आप लोग को, घर बनाने कितना पैसा लगता है। सहयोग दो चार लोग कर रहे हैं लेकिन तो इतना से नहीं पाएगा, उतना सो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए जब तक 10-15 लाख नहीं रहेगा घर में लगेगा तब तक घर तैयार नहीं, कोई कितना भी देगा तो 1-2 लाख उससे ज्यादा कहाँ हमन के लगे बट लगे ना पैसे भी हमन। तो इसीलिए हम लोग 10 लाख का लोन निकलवा रहे हैं, अभी देखते हैं कब तक अप्रूवल मिलता है। फिलहाल हमें लगता है 1 महीना में, अरे लोन से पहले 3-4 लाख लोन ले भाई ले। हाँ यार उसमें ले भाई ले पैसा, कर्जा हो गई लोन। हमारा ये सोच था ना कि हम दशहरा तक कंप्लीट करा दें। हाँ दोस्तों, लेकिन दशहरा तक नहीं हो पाएगा, दुर्गा मैया ना चाहती ना, खाली प्लास्टर हो जाए तब भी खुश रहेंगे हम दशहरा तक। दोस्तों आप लोग कह रहे थे, हम लोग सुने कि आप लोग दुर्गा जी बैठाएंगे, क्या कहा था भाभी को, क्यों बताइले हुई काली ना काली सुन ले घर तैयार हो जाए तो दुर्गा जी की बैठे हुए काली ना भाभी घर बन जाता अगले दिन बैठी नमन सोचा लिया बिना दिन में चला दर ही जाए रे या बढ़िया से नहीं बैठाएंगे। दोस्तों हम कहे हैं दुर्गा माई से तो फिर जरूर बैठाएंगे, नहीं पूरा हमेशा बैठाएंगे जब तक हम हमारे होने लायक रहेगा तब तक करेंगे, तब तक बैठेंगे। हाँ क्योंकि तक थोड़ा सा दशहरा में दुर्गा जी बैठाने का मतलब ये भी हो जाता है कि दशहरा में और कहीं जा नहीं सकते, तब कैसे? पूरा दशहरा घर पे ही रहो। हाँ, कहीं और घूमने ना जाओ, कहीं और देखने ना जाओ, कहीं ना घूमने देखे चल जाओ तो। अरे अपन सामारिक सबकी दूसरी जाए देखे तो का देखो ले अपनों संभाले सब कहीं, तो कोशिश करेंगे अगले साल बैठाने का, लेकिन अगर इस साल सब कुछ ठीक रहा सब कंप्लीट हो जाएगा तब। अरे अगले साल में तैयार हो जाए तब। और हमें लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा, हम सोच रहे इसी साल में अपना घर एकदम उद्घाटन करा दें। नहीं हो पाए इस साल में, शायद कौन दिन चलता है अब हो बाद में, 3 महीना अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर 3 महीना बाद वही लोन मिल जाता तो फिर दिक्कतें खत्म हो जाता। 25 में उसके से हम लोग आराम से रहेंगे। तब उसका 25 में घर बनाने का टेंशन हट जाएगा, बस कुछ बस बचा के कमा के रखना रहेगा। देख रहे हैं घर बनवाते बनवाते है, देखिए हड्डिया का देंगे पूरा जनवा लग गया है घर बनाने।
अभी तो इसलिए सोच रहे कुछ बचा के रखेंगे। इसके बाद अभी तक हम लोग कुछ भी सेविंग नहीं किए हैं, कुछ भी पैसा बचाया वैसा नहीं है। चोरी करेंगे लोग तो खाली अलमारी, क्योंकि पता नहीं क्योंकि दोस्तों घर तो उठा के ले जा नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना पैसा था घर में लग गया है और सेविंग में कहीं सेविंग है नहीं। जितना हम लोग सबसे ज्यादा पैसा बहुत ज्यादा घर में लगाए, क्योंकि हम लोग का सबसे बड़ा सपना ही था घर, घर बन जाए घर बन जाए। अब घर बन जाएगा, देखिए हम लोग का लगभग उम्र 26-27 साल होने वाला होगा, या 2600 चल रहा होगा या 2700 चल रहा होगा, तो बहुत ही अच्छा होगा कि हम लोग 30 साल के उम्र के अंदर ही हम लोग अपना घर बना लेंगे। अपने बल पे, अपने अपने दम पे। उसके बाद बस यही रहेगा, जीना खाना मौज करना, लड़का को पढ़ाओ, उसका भविष्य देखो ना। पढ़े पढ़े जाए अरे मलाला पढ़े जाइए। ए अश्विन, तुहार मम्मी कहता, तुहार मम्मी कहता, कहता पापा को तुहार मम्मी है कहाँ से माटू टिरा देला। दोस्तों अभी शाम हो चुका है, शाम के घाम हो चुका है, घाम पे देख लीजिए, घाम पे देखिए आराम हो चुका है। और आज है बर्थडे आशुतोष राव उर्फ चिलमापुर बखोंडी। देखिए अभी पैंट पहनने जा रहे हैं, कैसे पहनते हो दिखा दीजिएगा। अभी देखिए कैसे पहनते हैं, इनके लिए आ गया है लल्लू और सिलिंडा, सिलिंडा लेके हम आए, सिलिंडा लेके इनके पिछवाड़े में डाला जाएगा। आज केक कटेगा, जिसका बर्थडे है उसको धोया जाएगा। हाँ फिर परसों वाला फिर वे कहानी दौड़ा। अभी साहिल भाई का भी बर्थडे बहुत नजदीक आ गया है, परसों इनका बर्थडे है भी पार्क में, जो आना चाहता है वो मत आइएगा, क्योंकि बस अपने लोग आएंगे। साहिल भाई अंड का भाई से फोड़ दिए कपड़ा पे गिफ्ट ना है। तो यहाँ गिफ्ट हाले ली सरिया के लोग रख रहे हैं, जानकी भी गलती से आ गई हैं, गलती से नहीं है, सपना मियां ही है, हैप्पी बर्थडे चट्टू लोग हैं, जा मिलता हूँ अपन फिर जाते हैं हम लोग का करें चट्टू, हम लोग कैसे ही जिंदगी बीतेगी, रड़ुआ साले लोग हम लोग हैं इसीलिए। तो तुहार मजबूरी नान में रणुआ रहन कनिष्ठ सो गया था, ये भी जाग गया है। अरे जा बैठा हुआ रणुआ, 20 साल तक बाथरूम में काम चलाया है, बेचारे का हाथ का रेखा मिट गया। एक एक को कटवन है कहीं अड़ुआ तेल, अड़ुआ तेल मारते हो पहले काट के बोल रहा हो, तो हम कह देती है कि बोला का वो कौन का के भाई है, कितने वाली खाएंगे हम आओ दे गणु आदमी डाल दो। अरे साला बनल नहीं है यार, असली लड़की है, अब जानकी खिलाएगी भाई, एक मुंडो में तनी से लगा नहीं नहीं है, नहीं नहीं है, खाओ खिलाओ खिलाओ खिलाओ। दोस्तों आज मेरा बर्थडे था, दोस्तों केक को काट के अब हो चुके हैं रेडी। कौन तारीख है आज? 15 सितंबर। आज दिन पैदा भाई लला, सुबह सांझी के बस एक बात का दुख है हमें, कब पैदा हुए सुबह सांझी के? दोस्तों मेरे मम्मी पापा नहीं है, लेकिन इसलिए रात तक केक नहीं काटते, लेकिन पहली बार केक काटे हैं, और भी बस ऐसे ही हल्के फुल्के मेरे मम्मी पापा के। अरे तो घरे वाले ना, घरे आकर घर होते तो हाँ, अगर वीडियो देख रही होंगी मेरी मम्मी और पापा। आप दूसरे के रोज केक काट जाना, अपन नहीं काट पाए, अपन नहीं काटता। चलो ठीक है, ठीक दोस्तों।